और दोस्तों कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब बढ़िया से होंगे। दोस्तों पूरा घर जो है सो रहा है। वो जो है उठ करके उसने अपना मॉर्निंग के सारे रूटीन को फॉलो करना शुरू कर दिया है, ताकि सबको जो है हर चीज़ समय से मिल सके और सभी काम जो है सुचारू रूप से चल सकें। आखिर वो है कौन? किसी को भी चोट लगी, तुरंत हल्दी लगा दिया। दर्द हुआ तो तेल को गरम करके उसकी मालिश कर दी। अरे अरे, बाथरूम में जो नल है ना, उसकी टोटी से पानी बहने लगा। कोई बात नहीं, झटपट जो है कोई रस्सी बांध करके उसको रोक देंगे। किसी के भी कोई गंदे दाग नहीं छूट रहे। झटपट जो है बेकिंग सोडा और नींबू लेकर के घिसने बैठ गई। घर में किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, उसका सलूशन तो उसके पास है। और अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं, अपना दुख सुख तो शेयर करने के लिए है ना वो हमेशा। आखिर ये है कौन, ये जो घर का एडमिनिस्ट्रेशन चला रही है? क्या वो होम मिनिस्टर है या फिर घर की रानी? नहीं, ऐसा वो कुछ भी नहीं है। वो सारा काम तो करती है, लेकिन वो केवल एक हाउसवाइफ है, घर की जो है परमानेंट एम्प्लॉय, जो कि कभी छुट्टी नहीं लेती है। बड़े से बड़ा दुख सहने की शक्ति रखती है। भगवान ने उसे बहुत मजबूत बनाया है। कभी कभी जब बोर होने लगती है तो अलमारी खोल करके अपनी साड़ियाँ निकाल करके उलटती पुलटती है। याद करती है कि ये साड़ी हमको कब दी मिली थी, किसने हमको दिया था, और उसी में मन बहल जाता है। शाम के समय रेडी होकर के बैठती है कि अब घर में सब लोग आ रहे हैं, सबके दिन भर की जो क्या क्या बातें हुई हैं वो जानेंगे। कोई हमारी तारीफ करे या ना करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें कोई तकलीफ होए या ना होए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम तो अपने आप में ही मस्त हैं। अरे बाबा, हम जानते हैं तुम सुपर वुमेन हो, लेकिन सुपर वुमेन होने का मतलब ये नहीं है कि अपना ख्याल ना करो। अपने लिए भी समय निकालो, अपने इंटरेस्ट का भी कुछ काम करो, और थोड़ा सा अपने आप को व्यवस्थित भी करके रखो। आप भी तो जरा प्यार से मुस्कुरा कर तो बोलिए, देखिए उसके काम करने की एनर्जी डबल हो जाएगी। दोस्तों, घर में रहने वाली लेडीज की वाकई में कभी कभी बड़ी मुश्किल हो जाती है कि वो क्या करें। उनको समझ में ही नहीं आता है, चाहे वो लाइफ के किसी भी फेस में हो, उनको जो है कुछ बातें हमेशा सुनने को मिलती हैं। करती क्या रहती हो दिन भर में? मतलब ऐसा नहीं है कि केवल घर के मेल मेंबर्स ही कहते हैं, जो बड़ी लेडीज होती हैं, इवन उनके बच्चे जो होते हैं वो भी इन सब बातों को कह देते हैं कि मम्मी करती क्या रहती हो, मेरा एक छोटा सा काम नहीं कर सकती हो? अब बताइए वो करे तो क्या करे? मतलब ये मैंने देखा है कि ये प्रॉब्लम बहुतों की है। मैं जो हूँ वर्किंग भी रही हूँ और घर में भी रही हूँ, इसलिए मैं इन सब बातों को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। कई बार लेडीज जो होती हैं अपना अच्छा भला करियर छोड़ करके केवल घर को देखती हैं, अपने बच्चों को देखते हैं। उनके मन में कहीं ना कहीं ये रहता है कि मेरे बच्चे भी अच्छे रहें, मेरे फैमिली भी अच्छे से चलती रहे, और वो सब कुछ छोड़ देती हैं केवल अपने बच्चों के खाते। जब ये सब छोड़ करके और घर गृहस्थी के काम करती हैं और उनको बातें सुनने को मिलती हैं, तो समझ लीजिए कितना बुरा लगता होगा उनको। और ये नहीं है कि ऐसे ये बातें केवल घर में रहने वाली औरतों को ही मिलती हैं। वर्किंग लेडीज पर जो होता है वो डबल काम हो जाता है। घर की बातें भी सुनने को मिलती हैं, साथ में बाहर जो है बॉस की भी बातें सुनने को मिलती हैं। उन पर डबल प्रेशर है। कहीं ना कहीं आप सुकून में रहिए कि आप घर में हैं, आपको बाहर किसी की बातें सुनने को नहीं मिल रही हैं, घर वालों की ही सुनने को मिल रही हैं। जो वर्किंग लेडीज होती हैं, देखिए उनको घर की तो सारी जिम्मेदारी निभानी ही पड़ती है। और सबसे ज्यादा मुसीबत दोस्तों उन वर्किंग लेडीज की होती है जो यहाँ पर की कोई भी हेल्पर नहीं लगाए जाते हैं, मेड नहीं लगाई जाती हैं। तो ऐसी लेडीज को घर के भी काम करने पड़ते हैं और बाहर का तो देखिए कुछ नहीं है। एक चीज बेनिफिशियल है वर्किंग लेडीज के साथ कि वो जो भी काम करती हैं उसका उनको सैलरी मिलती है, जो कि हाउसवाइफ के संग बिल्कुल भी नहीं होता है। साथ में जो है हाउसवाइफ की एक कोई पहचान नहीं होती है, को बिल्कुल कहते हैं ना ये इजीली हल्के में लेते हैं कि इनको तो काम करना ही करना है। हाउसवाइफ जो है कभी एक दिन बीमार पड़ जाए या कहीं चली जाए तो पूरा घर जो है ना वो हिल जाता है, ये हम जानते हैं।
अच्छा कुछ ऐसा नहीं है कि जो हर बात है वो हर पर लागू होती हो, ऐसा नहीं है। कितने सारे कौवे उड़ के चले गए काम काम तो हम फिर लौट के आ रहे हैं। हाउसवाइफ ऐसी होती हैं जो कि वास्तव में टाइम बहुत बर्बाद करती हैं। मतलब उनका खाना, एक सिंपल खाना जैसी चीज़ जो एक घंटे में बन जाती है, दोस्तों वो सारा दिन बनाती रहती हैं। मैंने बहुतों को देखा है ये काम करते हुए कि वो धीमे धीमे काम करती हैं। और बात जो है ना कि जो लोग होते हैं अपने आसपास देखते हैं, फिर जाने अनजाने वही सबसे कहते रहते हैं कि इनके पास भी बहुत टाइम है, ये भी खाली टाइम को किल करती रहती हैं। देखिए हम लोग किसी के मुँह में ताला नहीं लगा सकते हैं, अपने को ही बदल सकते हैं कि किसी की बात का असर थोड़ा सा कम पड़े। और दूसरा ये है कि कहीं ना कहीं अपने आप को व्यवस्थित रखिए, अपने एक रूटीन को जरूर फॉलो करिए। ये ना रहे कि दिन भर खाली हैं, दिन भर हम घर में हैं तो दिन भर काम कर रहे हैं, ऐसा मत करिए। और काम घर के, देखिए जितनी लेडीज़ हैं घर के काम सबके पास उतने ही रहते हैं, कोई अलग से कोई काम नहीं रहता है। तो अपने कामों को आप मैनेज करोगे, सही ढंग से सब काम करोगे, टाइमली करोगे, तो स्वाभाविक है जो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम निकलेगा उस एक्स्ट्रा टाइम में आप अपने और दूसरे कामों को भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो आज की बात थी, कहीं से कुछ सरसराहट उस दिन हमें सुनाई दी थी, क्या सरसराहट थी चलिए आज आपको दिखाते हैं। एक्चुअली मैं यहाँ पर जो है मेरे टेरेस का सारा कूड़ा पड़ा हुआ है, वो करते हैं हम कंपोस्टिंग वगैरह भी करते हैं, और यहीं पर ये एक हमें कबूतर दिखाई दिया। मतलब मैं थोड़ी देर पहले यहाँ पर जब मैं आई तब कोई भी कबूतर नहीं था, और थोड़ी देर बाद मतलब कुछ भी नहीं था, और थोड़ी देर बाद जब मैंने देखा तो यहाँ पर कबूतर भी था और उसके अंडे भी थे, अचानक ही पता ही नहीं चला। और अब तो ये कबूतर भी इतना मतलब निडर हो गया है कि मैं उसके पास इधर हूँ तब भी ये उड़ करके नहीं जा रहा है, मतलब ये जानता है कि इनसे मुझे कोई भी डर नहीं है। तो और मुझे जो था यहाँ से काम पड़ता ही था हमेशा ही, कभी कंपोस्टिंग रख रहे हैं, कभी यहाँ पर कोई पुराना सामान उठाना धरना, यही सब लगा रहता था। तो एक बार जो था मैंने जब शुरू शुरू में मैं खुद डर रही थी कबूतर से कि कहीं कबूतर जो है हमसे डरे ना, तो मैं दूसरी साइड से क्लिपिंग इसकी ले रही थी ताकि आप लोग को क्लियर दिखाई दे। तो अब देखिए ये तो कबूतर है और जिस गमले में है मुझे उस गमले में पानी डालना है, लेकिन मैं पानी नहीं डाल रही हूँ डर के मारे कि इसके कहीं जो अंडे हैं ये भीग ना जाएं। इन अंडों को दिए हुए जो है 4-5 दिन हो गए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि अगर जो है पानी आनी इसमें पड़ जाएगा तो भी शायद ख़राब ना हो जाए, या पक्षियों को ना मालूम चल जाता है तो वो खुद ही उठा करके फेंक देते हैं अपने अंडे। एक बार मैंने ना कुछ बर्ड्स पाली थी उसी से हम जानते हैं। साथ में अब मुझे जो है थोड़ी चिंता लगने लग गई है कि कहीं बिल्ली इल्ली ना खा ले, क्योंकि ये तो खूब आसानी से इसको उठा सकती है बिल्ली, ये बिल्कुल टच में है इसके ले, इसीलिए आजकल जो है मैं टेरेस का थोड़ा दरवाज़ा दरवाज़ा बंद करे रहती हूँ कि बिल्ली ना आए ऊपर। देखिए एक छोटी सी जान है, अगर जो है ये वैसे कहीं होती तो मुझे ना कोई फ़र्क पड़ता, लेकिन अब मैंने इसको देख लिया है तो मुझे ज़्यादा टेंशन हो रही है। जबकि हमारे घर में सब लोग कहते हैं अरे तुम्हें क्या करना है, ये तो सब अपने आप ही सब पलते बढ़ते रहते हैं, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमको बड़ा टेंशन सा लग रहा है। अब मुझे ऐसा लग रहा है जल्दी से इसमें से बच्चे निकले और बच्चे उड़ जाएँ इसके निकल करके, क्योंकि ये मेरी, मुझे लग रहा है मेरी जिम्मेदारी पर है ये। और देखिए कैसे उसने धीरे धीरे घोंसला बना लिया, छत में ही मेरे एक वो जो पड़ा था जूट उसी के ही उससे बनाया है। अब वही है, या तो ये अंडा खराब हो या मेरा ये प्लांट खराब हो, दोनों जने एक साथ टिक नहीं पाएंगे इसमें। मेरे कुछ व्यूअर फ्रेंड्स हमसे जो है उस ऑयल की डिमांड कर रहे हैं जो कि मैंने अपने बालों के लिए बनाया था। एक्चुअली मैं बाल झड़ रहे थे तो मैंने उसको यूज़ करा, मुझे काफ़ी फ़र्क दिखाई दिया। तो दोस्तों जल्दी ही उसका वीडियो आपको मिलने वाला है, मैंने तैयारी जो है वो शुरू कर दी है। साथ में आपको सॉरी भी कहेंगे, हमारे यहाँ बैकग्राउंड में थोड़ी सी नॉइज़ आती रहती है, क्योंकि फ्रेंड्स इधर की तरफ रोड है, सामने भी रोड है, इधर पीछे फैक्ट्री है, कारखाना है जहाँ पर काम वाम होता रहता है।
दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो थम्स अप दे दीजिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फिर मिलते हैं आपसे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।